हाय एवरीवन, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिएटिव किंगडम। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे मेटावर्स में अपने मेटा एवेटार को किस तरीके से क्रिएट करना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोग मेटावर्स की दुनिया में जब मीटिंग्स करेंगे या किसी और स्पेस में जाएंगे, किसी और वी आर एप्स में जाएंगे, किसी और वी आर एप्स में जाएंगे तो हमें अपने एक एवेटार की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए जो कल मैंने इमेज डाली थी, ये देखिए जो कल मैंने इमेज अपनी क्रिएट की थी, ये मेरा एवेटार है मेटा सऊदीफाई। और मैंने इसको बहुत ही कम क्लिक्स में इस एवेटार को अचीव किया था, बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और मेरा कैरेक्टर कंप्लीट हो गया था। तो आइए चलते हैं गूगल पे और वहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे रेडी प्लेयर मी। और वैसे तो आप बहुत सारे लिंक्स देख रहे होंगे लेकिन जो सबसे ऊपर वाला लिंक है हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। लिंक सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्रिएट एवेटार का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे जो एवेटार्स हैं वो प्री क्रिएटेड हैं। क्रिएट एवेटार पे क्लिक करने के बाद जो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, आप सबसे पहले मैस्कुलिन पे मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास चूँकि अभी सेल्फी नहीं है कोई मेरी अपनी, इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगा, लेकिन आप चाहें तो अपनी कोई फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपको आपके अकॉर्डिंग एवेटार मिलेगा। कंटिन्यू विदाउट अ फोटो, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एवेटार्स मिल जाएंगे प्रीमेड और मैं इसमें से इस बंदे को सेलेक्ट करूँगा। ये कुछ कुछ मेरी तरह है, ये स्पेक्स पहनता है और मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ, इस वजह से थोड़ी सी लगाव हो गया मुझे इससे। यहाँ पर आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, वॉलेट को खोलें और अपना पासवर्ड डालें और उसे अनलॉक करें। बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे आप डालेंगे अपना पासवर्ड और पासवर्ड डाल के आप इसे अनलॉक करेंगे। नेक्स्ट कनेक्ट, तो ये आपकी आपका वॉलेट इससे कनेक्ट हो गया है। अब आप आगे का वर्क करते हैं। मेरा कलर क्योंकि स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है तो मैं डार्क स्किन प्रेफर करूँगा। और ये देखिए आपका पूरा कैरेक्टर तैयार है। तो यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहले जो है वो स्किन का कलर चेंज करेंगे। मैं ये वाला लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके और बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे आइज़ है, ईयर्स हैं, लिप्स है, वो सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जॉ लाइन में आप इसको जाके चेंज कर सकते हैं, जो उसी तरह की जॉ लाइन आपके पास है आप उसे ले लें, शार्प है या थोड़ी सी राउंडेड है, जो चाहे वो ले लें। फिर इसमें हम लोग आइज़ का शेप देखेंगे कि आइज़ हमारी किस शेप में होनी चाहिए। जब आप फोटोज डाल के लोगे तो आपको ऑलरेडी एक मतलब आसपास का आइडिया मिल जाएगा अपने अकॉर्डिंग। वैसे क्या है, आप अपना एक एवेटार क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग नोज़ को चेंज करेंगे कि हमारी नोज़ किस तरीके से है और हमें कौन सी नोज और लिप्स चाहिए। जो हमें चाहिए होगा वो हम उस प्रीसेट को सेलेक्ट करेंगे और वो आप देखेंगे कि आपके सामने आ गई वो चीज़। इसी तरीके से क्लोज को सेलेक्ट करेंगे, हमें जो से क्लोज चाहिए होंगे तो ये हमारे क्लोज हो गए। आप जो सा चाहें वो ले लें, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग हेयर स्टाइल को चेंज कर लेंगे। ये हेयर स्टाइल मुझे पसंद है लेकिन आप चाहें तो कोई दूसरा ले सकते हैं। यहाँ टेस्टिंग के लिए पर्पज़ से मैं दूसरा सेलेक्ट कर ले। नहीं भी चाहिए अगर आपको कोई हेयर स्टाइल, आप चाह रहे आपके जो कैरेक्टर उसके सर पे बाल ना हो तो आप यहाँ से भी खेल सकते हैं। वैसे मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा तो मैं ये ले लेता हूँ। बियर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ब्राउन कलर की बियर्ड थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है तो हम इसे जो ओरिजिनल ब्लैक कलर होता है उसमें ही तब्दील कर देंगे। उसी तरीके से आइस का कलर है, आप जो सा आइस का कलर चाहें वो ले लें। मैं थोड़ा सा येलोइश टिंट चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे आपका कैरेक्टर बनता जा रहा है। ये आईब्रोज का कलर है, आईब्रोज को हम सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना होगा क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा ऑरेंज कलर की आईब्रोज। फिर इसी तरीके से गॉगल्स हैं, आपको इस गॉगल्स या स्पेक्स लगा सकते हैं। मैं एविएटर पसंद करता हूँ तो एविएटर ही यहाँ पर लूँगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस
पे कोई टैटूइंग या डिज़ाइन हो तो आप यहाँ से डिफरेंट प्रीसेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद आ रहा है लेकिन इसलिए मैं ऑफ रखूँगा इसे। कोई आप चाह रहे हैं कि आपके कैरेक्टर पे मास्क हो तो आप चाहें तो मास्क भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे ऑफ रखूँगा। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर आप इसी तरीके से हैड का कोई प्रीसेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चाहें तो आप अपने कैरेक्टर के ऊपर हैड भी लगा सकते हैं। हैड है, कैप है या कोई और भी हेडवेयर है वो आप पहना सकते हैं उसे, और या चाहे तो उसे ऑफ रख सकते हैं। मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब आप चाहें तो आप सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रेडी टू मूव फर्दर, और हम एंटर हब पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही साथ ही हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे हमारा कैरेक्टर रेडी टू डाउनलोड होगा। इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ इमेज की बात करेंगे। वैसे ये कैरेक्टर्स मुझे अपने अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए हैं, तो उसके लिए मैं जो हूँ उस इनको GLB फाइल में डाउनलोड करूँगा और फिर उसे ब्लेंडर में ले जाके .fvx में कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद मैं इन्हें अनरियल पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब आप चाहें यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स हैं कि ये जो एवटार आपने क्रिएट किया है ये कौन कौन से ऐप्स के ऊपर वर्क करेगा, इसके लिए आप यहाँ पे साइड में डिस्कवर ऐप्स में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन के से ऐप्स में हमारा एवटार वर्क कर सकता है। ये स्पेशल है, VR चैट है, और बहुत सारे नीचे हैं की तरफ हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ उन ऐप्स में आपका जो ये जो एवटार है ये परफेक्टली परफॉर्म करेगा एज अ VR ऑब्जेक्ट की तरह। फिर आप हेडसेट पहन के और इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मुझे इमेज चाहिए, तो इसके लिए मैं शेयर इमेज पे क्लिक करूँगा। अब मुझे कैरेक्टर मान लीजिए सपोज दैट मुझे डाउनलोड करना है अपने ब्लेंडर के लिए और अनरियल के लिए, तो मैं इसे डाउनलोड एवेटार एज .glb फाइल करूँगा, और .glb का फाइल करने के बाद मेरे पास कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मुझे सिर्फ इमेज चाहिए ताकि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कि ये इमेज के मैंने कहाँ से डाउनलोड की है और आप लोग भी कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी इमेजेस और अपने फेसबुक फ्रेंड्स और ट्विटर पे इसको लगा सकते हैं। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, आपका कैरेक्टर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, फिर आप उसे वहाँ से खोलें और आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब आप के लिए फ़ोटोशॉप पे बैकग्राउंड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगाएं और उसे अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ और तमाम ट्विटर पे शेयर करें और उनको भी बताएं कि आपने कहां से ये कैरेक्टर डाउनलोड किया है। रेडी प्लेयर मी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सऊद सिद्दीकी, साइनिंग आउट।